हमने वर्चुअल फील्ड ट्रिप की थी वॉकिंग विद डायनासोर। ये जो मेरी पहली वर्चुअल फील्ड ट्रिप थी, ये थी, आपको तो पता ही होगा, ग्लोबल टीचर अवार्ड विनर रंजीत सिंह डिसले सर। हाँ जी, हाँ जी। उनकी वॉकिंग विद डायनासोर एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप बहुत ही फेमस है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरा स्कूल जो है वो हिली एरिया में है और प्लीज आप कुछ भी करो लेकिन ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप मेरे स्कूल के साथ कर दो। तो सर ने भी बहुत ज्यादा मुझे सहकार्य किया। नमस्कार, डिजिटल टीचर की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं जिला परिषद स्कूल पुणे महाराष्ट्र से मृणाल गंजले मैम। मृणाल जी को नेशनल आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं मृणाल जी की कहानी उनकी ही जुबानी। मैम, डिजिटल टीचर की कहानी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नेशनल आईसीटी अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मेरी मतलब स्कूल की जो जर्नी है वो आप जानना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बातचीत की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने टेक्नोलॉजी की मदद से स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने को लेकर प्रयास किया है। वैसे तो इस 12 साल की जर्नी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2009 में पालघर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक रिमोट एरिया में है, बहुत ज्यादा ट्राइबल जोन है। तो वहां से अगर शुरुआत की जाए तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब उस स्कूल में एनरोलमेंट की बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। मतलब आप अगर सोचे तो 2009 का जो पीरियड है वो बहुत, इतने हम इंटरनेट भी नहीं यूज करते थे, इतने लोग स्मार्टफोन भी नहीं यूज करते। हाँ, फोन यूज करते थे लेकिन स्मार्टफोन ज्यादा नहीं यूज करते थे। अगर किसी के पास हो भी तो वो नेट इंटरनेट नहीं यूज कर पाता था क्योंकि उस टाइम में बहुत एक्सपेंसिव था नेट भी। मैं भी बहुत थोड़ा बहुत मैं यूज करती थी लेकिन बहुत थोड़ा। तो मैं जिस स्कूल में थी, मेरा स्कूल आई थिंक 5 किलोमीटर इन फॉरेस्ट था, पूरा जंगल का इलाका था। जैसे दिन में जाए तो भी एकदम घना जंगल था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरे मेरे जो टीचर थे, हम दोनों थे उस स्कूल में, स्कूल भी बहुत छोटा था। जो सर थे उनका नाम रमेश सर था, उनके साथ में जाती थी, उनके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं था मुझे जाने के लिए क्योंकि वहां जाने आने के लिए कोई साधन नहीं था। अगर आप पैदल जाओ या फिर अपनी खुद की गाड़ी लेके जाओ। मेरे पास तो मेरी गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी उस टाइम, मेरी बाइक। तो मैं उस सर के साथ जाती थी, वो अगर लीव पे हो वो मुझे स्कूल ड्रॉप करके फिर उनका काम देखने जाते थे। तो जब मेरा शुरुआती का दौर था तो मैंने देखा कि बच्चों को स्कूल से लगाव नहीं था। वो सर भी बहुत प्रयास करते थे लेकिन फिर भी अगर हम टीम के साथ काम करें, हाँ हमने दोनों ने फिर जुड़ के काम किया और बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर दिया हमारे स्कूल में। तो मैंने क्या किया, शुरुआती के दौर में मैंने बच्चों के फोटो क्लिक किए कि अगर आज तुम स्कूल आए तो मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगी, और फोटो लेकर मैं उनको दिखाती थी कि ये देखो मैंने तुम्हारा फोटो खींचा, ये देखो। उसको फिर एडिट कर दी थी, देखो तुम कैसे लग रहे हो। और ये ऑफलाइन मोड पे पॉसिबल था, तब ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हमें कोई और वो भी बहुत खुश होते थे। तो कुछ इस माध्यम से मैंने टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत काम किया था वहां। जैसे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ तो हमारी ट्रांसफर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ होती रहती है। तो मैं अभी पूना डिस्ट्रिक्ट में आई थी और मेरा स्कूल अब जो था वो हिल एरिया पे था, जो कि 20 किलोमीटर रनिंग और उसमें 5 किलोमीटर पूरा मुझे एक पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता था। वहां मुझे एनरोलमेंट की वैसे तो नहीं दिक्कत आई लेकिन अटेंडेंस जो है बच्चों की उसमें दिक्कत आई कि बच्चे रोज नहीं आते थे। तो हमने वहां भी एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप का प्रयोग किया था, और जब बच्चों को ऐसे कुछ नया हमारे स्कूल में हो रहा है, रोज हमें मूवी देखने को मिल रही है, रोज हमें ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होती थी और वो स्कूल आते थे। आफ्टर
उस स्कूल के बाद मेरी अभी मेरा अभी जो स्कूल है वहां मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया मेरी डेली टीचिंग में, गेमिफिकेशन इन एजुकेशन हमने ये प्रोजेक्ट यूज किया। और एनरोलमेंट के लिए वैसे कहा जाए तो हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है कि हमारे स्कूल में फर्स्ट टू फिफ्थ का स्कूल है लेकिन 500 स्टूडेंट है अभी भी, और मतलब सिटी एरिया से हमारे विलेज एरिया में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी वजह से हमारी एनरोलमेंट बहुत अच्छी हुई है। मैम, वर्चुअल फील्ड ट्रिप क्या है और उसके आपके क्लास के बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में कैसे मदद मिलता है? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि वर्चुअल फील्ड ट्रिप प्लेटफॉर्म है क्या। वर्चुअल फील्ड ट्रिप मतलब आभासी क्षेत्र भेंट, जैसे कि अब मैं यहाँ बैठी हूँ और ऑनलाइन तरीके से अगर मैंने किसी और टीचर्स को कहा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है स्काइप इन द क्लासरूम, फ्लिपग्रिड, फ्लिपग्रिड लाइव इवेंट, ऐसे तो ये फ्री सोर्स है, हमें बस हमारी खुद की प्रोफाइल बनानी होती है और हम दुनिया के सारे स्कूल के साथ, सारे बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। और हम जब जुड़ते हैं, जैसे कि हमने वर्चुअल फील्ड ट्रिप की थी वॉकिंग विद डायनासोर, ये जो मेरी पहली वर्चुअल फील्ड ट्रिप थी, ये थी, आपको तो पता ही होगा, ग्लोबल टीचर अवार्ड विनर रंजीत सिंह डिस्ले सर, उनकी वॉकिंग विद डायनासोर एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप बहुत ही फेमस है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर मेरा स्कूल जो है वो हिली एरिया में है और प्लीज आप कुछ भी करो लेकिन ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप मेरे स्कूल के साथ कर दो। तो सर ने भी बहुत ज्यादा मुझे सहकार्य किया और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बताया, उसके माध्यम से हमने ये अरेंज किया सेशन, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेते हैं हम, मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ले ली थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर सेंटर एंड फिर हमारी वर्चुअल फील्ड ट्रिप कंडक्ट हुई। तो उसके मुताबिक हमारा दोपहर का टाइमिंग था, लेकिन मैंने सर को बताया था कि सर मेरा जो स्कूल है वो हिली एरिया में है, वहां नेटवर्क आता है लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ता है तब वो नेटवर्क आएगा। सर बोले मैम डोंट वरी, यू जस्ट यूज स्काइप लाइट, तो वो 2G में भी चल गया। और फिर हमने हमारा जो हिल एरिया था, वैसे तो उस जगह की खासियत थी इतना ऊपर, मतलब हिल एरिया में आप अगर देखें तो ऊपर एक पूरा पॉन्ड टाइप है, नेचुरल पॉन्ड, तो वहां जाके हमने ये फील्ड ट्रिप अरेंज की थी। मैंने मेरा लैपटॉप ले जाया, बच्चों को बिठाया और फिर ये स्काइप कॉल कंडक्ट हुआ। लेकिन उसके बाद की जो खुशी थी बच्चों की कि हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये देखने का मौका मिला, जैसे कि वो कनेक्टेड नहीं थे बाहर की दुनिया से, मतलब वो वहां क्या चल रहा है उनको इतना भी नहीं पता था, वो बस उनके उनके गली में सीमित थे। तो इस माध्यम से हमने बच्चों को बाहर की दुनिया से जोड़ा था और ये सिलसिला हमारा जारी रहा। उसके बाद हमने दिल्ली के एक मैडम है सीमा दुग्गल करके, उनके साथ फिर ताजमहल की एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप की थी। उसमें होता क्या है कि जैसे कि सर के वर्चुअल फील्ड ट्रिप का नाम था वॉकिंग विद डायनासोर, वो एक डायनासोर की सारी इंफॉर्मेशन, एक डायनासोर पार्क है सोलापुर में, तो वो दिखाते हैं वहां लाइव जाके। जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने आपके साथ कंडक्ट की है वर्चुअल फील्ड ट्रिप, आप अगर कोई म्यूजियम मुझे दिखाने जा रहे हो तो आप उस म्यूजियम में डायरेक्टली उस टाइम पे जाओगे और वहां से जाके मुझे सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ बैठ के वो देख सकती हूँ, मैं आपके साथ क्वेश्चन कर सकती हूँ। इस माध्यम से हमने इस कुछ अलग तकनीक का यूज किया था। स्कूल में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कम्युनिटी और CSR से कैसे मदद ली है? तो मेरा जो अभी का स्कूल है और हमारी जो ग्राम पंचायत है वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है और अगर हम कुछ मांगे तो वो तुरंत ही दे देते हैं। उनके माध्यम से हमें ICT लैब मिला है, हमारे पास 20 कंप्यूटर्स है, हर हमारी कक्षा में एक स्मार्ट टीवी है। अभी लॉकडाउन में हमें एक प्रोजेक्टर मिला है, एक इंटरैक्टिव बोर्ड भी मिला है, मतलब जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये जो दिन होते हैं तब बहुत लोग आते हैं और बहुत सारा CSR हमारा इकट्ठा होता है। और हमारे जो विलेजर्स है और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी स्कूल कमिटी है,
वो हमें हमेशा प्रोत्साहन देती है, बल्कि ऐसे नहीं कि वो बस हमें टीवी दे दे, ये दे दे। तो अलग अलग, जैसे कि टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए भी उनके पास बहुत सारे प्रोग्राम है। जैसे कि अगर मेरे बच्चे स्कॉलरशिप में आ जाए तो वो मुझे, मेरे बच्चे अगर, मेरे 10 बच्चे मतलब होल्डर हो गए स्कॉलरशिप होल्डर, तो वो मुझे एक लैपटॉप देंगे, गाड़ी भी देंगे, और वो टीचर्स को एज वेल एज स्टूडेंट को भी प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन जब हमने उनको रिजल्ट दिखाया तब उन्होंने ये सारा किया। मतलब हमें भी क्वालिटी दिखाना जरूरी है अगर वो हमें मदद कर रहे तो। और इस लॉकडाउन के दरमियान माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का हमें एक सॉफ्टवेयर मिला, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, और हमारे अभी ये ऑनलाइन क्लास उसी के माध्यम से शुरू है। मैम, आप फ्लिपग्रिड टूल को क्लासरूम में कैसे यूज करते हो और इससे बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है? मैं अगर फ्लिपग्रिड की बात करूं, हाँ जी, तो कोई भी बच्चा 2 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखता, 2 या 3 मिनट से ज्यादा हम भी नहीं देखते वीडियो, कोई भी वीडियो हो वो। हाँ, अगर खुद का हो तो हम देखते हैं, दूसरे का हम बिल्कुल नहीं देखते, मूवी देख लेंगे कोई, और मूवी भी अगर पसंद आए तो भी तो ही हम देखते हैं, वो भी हम ऐसे फॉरवर्ड कर करके देखते हैं। अभी क्योंकि हम 21st century में है तो सब फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है, आप अगर क्रिकेट मैच भी देखे तो वो भी 2020 हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर कोई और वीडियो दिखाऊं तो वो तो देखेंगे नहीं, तो वो खुद की वीडियो जरूर देखेंगे। तो फ्लिपग्रिड एक ऐसा टूल है जिसकी माध्यम से हम बच्चे खुद के ही वीडियो से एक दूसरे के साथ सीख रहे थे, और ये एक फ्री ऑफ सोर्स है। जैसे कि हमें फेसबुक की तरह उस पर भी अकाउंट बनाना है टीचर का, और टीचर ने एक उस पर ग्रुप बनाना है। जैसे कि मैंने एक ग्रुप बनाया इंग्लिश पोएम का, तो इंग्लिश पोएम में मैंने टॉपिक बनाए, जैसे कि मैंने टॉपिक बनाया कोई पोएम का नाम, जैसे जॉनी एस पप्पा, अदरवाइज माय आवर इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन का टॉपिक बनाया और वो लिंक बच्चों के साथ शेयर की व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और बच्चों को कहा कि आप खुद का इंट्रोडक्शन इसमें दे देना। वो लिंक जब बच्चा ओपन करेगा तब तुरंत ही उसके सामने एक कैमरा ओपन हो जाएगा। बच्चों के लिए, बच्चों को बस वो ऐप डाउनलोड करना है, लेकिन बच्चों को कोई उसमें अकाउंट नहीं बनाना, द मस्ट इज टीचर को वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चे के सामने अगर कैमरा ओपन हो जाए तो वो तुरंत ही खुद का इंट्रोडक्शन दे देगा, जैसे कि माई सेल्फ मृणाल, आई एम इन 2nd standard, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ऐसे। जैसे कि हम क्लासरूम में देखे तो कोई बच्चे तुरंत सवाल देते हैं, दे देते हैं, कोई बच्चे बहुत टाइम बाद दे देते हैं। जब मैं इस टॉपिक की लिंक उनके माता पिता को भेजती थी तो कोई कोई बच्चे तुरंत मुझे रिस्पॉन्स दे देते थे। जब उस वो बच्चे अपलोड कर देते थे उनका वीडियो, तो पहले तो वो वीडियो मेरे पास आता है, मैं उसको देखूंगी कि ये वीडियो मेरे टॉपिक के अनुसार बच्चों ने अपलोड किया है या नहीं, या कुछ अलग ही कॉन्टेंट उन्होंने डाल दिया है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो मैं जब अप्रूवल करूंगी तभी वो बाकियों को दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये काम किया। और फ्लिपग्रिड की अगर बहुत अच्छी बात बताऊं तो दिस इज द वेरी सिक्योर प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो वीडियो उसके टीचर और उसके पेरेंट्स एंड वो बच्चों तक ही सीमित रहता है, बाकी लोग उसे देख नहीं सकते। तो इट्स वेरी सिक्योर, क्योंकि अगर मैं बच्चों के वीडियो यूट्यूब पे डालू तो पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन थे कि हमारे बच्चों के वीडियो आप यूट्यूब पे मत डालो, बिकॉज वो बिलीव, मतलब वो उनका मानना था। और अगर देखा जाए तो अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे वीडियो हमें मिलते हैं, हर टीचर को यही मुश्किल है कि इतने सारे वीडियो का हम करेंगे क्या, मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मेरा मोबाइल है उस मोबाइल का डेटा मैं उस कंप्यूटर में डालूं या फिर लैपटॉप में डालूं, और मुझे ये पता नहीं है कि ये वीडियो किस चीज का है, मतलब मुझे ओपन करना पड़ेगा, हाँ ये वीडियो इस पोएम का है, फिर मैं उसको सॉर्टेड करूंगी। लेकिन फ्लिपग्रिड में हुआ क्या, मैंने ऑलरेडी टॉपिक का नाम पहले क्रिएट किया था, इस वजह से उसी टॉपिक का कंटेंट उसमें गया। और हम जैसे फेसबुक या ट्विटर यूज करते हैं, हमें जो फोटो लगते हैं वो हम वहां से डाउनलोड करके हमारे मोबाइल से डिलीट कर डालते हैं,
तो मेरे स्कूल में जब ऑफिसर्स आते हैं विजिट के लिए और वो अगर मुझे पूछे कि आपने आज क्या पढ़ाया, तो अगर आपने ये कविता पढ़ाई तो बच्चों ने क्या किया, तो मेरे पास एविडेंस भी है दिखाने के लिए। वो एक लिंक पे ओपन हो सकता है कि देखिए सर, इस मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया माय इंट्रोडक्शन, और बच्चों ने कुछ इस प्रकार के साथ होमवर्क किया, ओरल वर्क किया, तो इस प्रकार के साथ हमने फ्लिपग्रिड का यूज अभी लॉकडाउन के दरमियान किया और मेरे बच्चों ने कुछ 1000 वीडियो उसमें अपलोड किए हैं। मैम, आपने माइक्रोबिट कोड.org जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों को कोडिंग सिखाने में किया है, थोड़ा हमें इस बारे में बताइए। जैसे कि अगर हम बचपन से ही बहुत सारी चीजें बच्चों को दे, तो बच्चे जितना लेंगे उतना उनके लिए कम है, लेकिन हमारा तो प्रयास यही है कि हमें बच्चों को वो सारी चीजें देनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में है या कोई और स्कूल में है। तो हमने क्या किया था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए थे code.org के साथ, और मैंने मतलब तब तो स्कूल शुरू था, तो code.org के माध्यम से हमने छोटे छोटे गेम डेवलप किए थे हमारा जो कंप्यूटर लैब है उसमें, और बच्चों ने वो डांसिंग का गेम, उसके लेवल्स क्लियर किए थे, उसके बाद जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो मैंने उनको वो दिया था। तो जब उनको वो सर्टिफिकेट code.org का मिला तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो लेवल्स पे होता है, शायद फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, उसकी 10th लेवल आप अगर कंप्लीट करो तो उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और बहुत ही सिंपल कोडिंग थे, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप के कोई कोडिंग है, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ऐसे टाइप की कोडिंग थे। तो बच्चों ने वो किया, बच्चे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगे कि मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको बचपन से ही पता है यार मैंने तो कोडिंग की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और ये फ्री सोर्स है तो हमें यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस हमें हमारा टाइम देना चाहिए। माइक्रोबिट का ऐसा था कि मैंने माइक्रोबिट परचेस किया था और उसके माध्यम से हमने पहले तो सॉइल टेस्टिंग की थी, तो मैंने बच्चों से ही वो कोडिंग की, मतलब मैंने गाइडेंस किया उनको कि आप ये अब पहले ये कोड लो, उसके बाद उसका इनपुट ये जोड़ो, फिर बहुत छोटी इतनी सी ही कोडिंग थी, लेकिन अगर वो करे तो उनको बहुत मजा आता है, तो उन्होंने वो कोडिंग की। उसके बाद उस कोडिंग को हमने उस माइक्रोबिट में ट्रांसफर किया और फिर क्रोकोडाइल चिप की मदद से हमने वो सॉइल टेस्टिंग की। तो मैंने बच्चों को दिखाया कि देखिए ये उपजाऊ जमीन है, ये थोड़ी सी जमीन नहीं अच्छी, तो देखिए इसका सॉइल टेस्टिंग कितना आया, इसका कितना आया। तो बच्चों को बात समझ आई कि अगर हम बहुत ही मतलब हमारी खेती जो है वो अगर रेड मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो उसकी अच्छी आती है, उपजाऊ होती है, थोड़ी सी बंजर होती है, वो थोड़ा सा उसका कम रेट आया। और ये था सॉइल टेस्टिंग का। और दूसरा था, हमने स्टेप काउंटर बनाया था CWSN के लिए। तो स्टेप काउंटर में हुआ क्या, बच्चों ने ही कोडिंग की, फिर मैंने क्या किया, वो माइक्रोबिट उस बच्चे के पैर में लगाया, उसके सॉक्स को, और ऐसे घुटने में। तो जब बच्चा चल रहा था तब उसने जितने स्टेप लिए उतना उसमें नंबर आता था उस माइक्रोबिट में। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों को क्या लगा कि यार हम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, हमें मतलब बच्चों के पास बस छोटी छोटी क्रिएटिविटी होती है, और अगर उसका हम थोड़ा सा यूज करें तो उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मैम, आपके अनुभव के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए एडुकेशनल कंटेंट कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चों की जो शिक्षा है वो एप्लीकेशन लेवल की हो तो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें, तो मैंने हमारे क्लासरूम में क्या किया, जो हमारा मतलब क्लास 4th को शिवाजी महाराज का सारा हिस्ट्री है बच्चों को, तो मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट था उनको वो नहीं पढ़ाया, मैंने उसकी एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप अरेंज की थी शिवनेरी किला के लिए, और एक दूसरी की थी पन्हाड़ा किला के लिए। तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो फोटो वो पुरानी है, पुराने किले की है, पुराने फोर्ट की है, और अभी मैं आपको रियल वाला फोर्ट दिखाऊंगी कि अभी वो कैसा है, फिलहाल वो कैसा है।
तो मेरे बच्चों को क्वेश्चन किए, फिर मैंने एक सर है कोल्हापुर के, बीबी पाटिल सर करके, उन्होंने ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी वहां वो गए पूरा उनकी बाइक में, और उन्होंने पूरा फोर्ट दिखाया मेरे बच्चों को, और बच्चों के सारे क्वेश्चन थे वो भी बताए। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि आपको अब क्या डिफरेंस लग रहा है, तो बच्चों ने मुझे बताया कि मैम जैसे कि बुक्स में लिखा है तो शिवाजी महाराज ने तो बहुत प्रयास किया इस किले को हासिल करने के लिए, और तब कितना अच्छा था, और अब देखिए अब कितना गंदा हो गया है ये। तो मैंने फिर उनसे पूछा ये गंदा किसने किया, तो बच्चों ने बोला हमने किया, हम जब ट्रिप पे जाते हैं तो हम सारी गंदगी मचाते हैं, हम यहाँ वहां चीजें फेंकते हैं, और ये इनको इतना इनका इतना बलिदान गया है और हमने देखो इसका कैसे यूज किया। तो बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। मैम आपने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे मतलब कार्य किए हैं आपने? मैंने मेरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म का यूज किया, और उसके माध्यम से बहुत सारे कोर्सेस किए जो कि एनसीईआरटी के वेबिनार सीरीज है, एससीईआरटी की हमारी ट्रेनिंग है, एससीईआरटी के भी हमारे बहुत सारे वेबिनार है, डीआईसीपीडी जो है हमारी डीआईसीपीडी पुणे, उनके माध्यम से भी हमें बहुत सारे ट्रेनिंग्स मिलते हैं, और ये छोटे छोटे कोर्स करके मैंने मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन के माध्यम से भी मैंने बहुत सारे कोर्सेस किए जो कि मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे हुए, और मेरे बच्चों के लिए भी उनका मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल थे उसके माध्यम से भी हमें बहुत पता चला। जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक एजुकेटर, आई एम द नेशनल जियोग्राफिक एजुकेटर, उसके माध्यम से भी मैंने बहुत कोर्स किए, और उसमें एक कोर्स था मैपिंग का, उसमें भी मुझे डिफरेंट टाइप के मैप्स का पता चला, और उनका एक मैंने उनके साथ जुड़कर एक प्रोजेक्ट बनाया था गो ग्रीन वाला, तो उसके लिए भी हमें एक सर्टिफिकेट इश्यू हुआ नेशनल जियोग्राफिक एजुकेटर का, और हमें डिफरेंट डिफरेंट एप्स के बारे में पता चला। जैसे कि एक ऐप है अगर वो ओपन करे तो हम हमारी लोकेशन डाले तो हमें पता चलता है हमारे इलाके में कितना कचरा है, कितना प्लास्टिक है, तो अगर बच्चों ने ये यूज किया और बच्चों को भी पता चला, बच्चे बोलने लगे पेड़ कम और प्लास्टिक ज्यादा है, तो बच्चों को खुद को ही पता चला क्योंकि वो ऐप भी अच्छा था और फ्री था, ये सारी चीजें फ्री थी, हमने बस यूज किया उसका। अभी तक की जर्नी में आपका क्या क्या अचीवमेंट्स रहा है मैम? अभी तक की जर्नी में वैसे तो मेरा अचीवमेंट यही है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलते हैं, ये आई थिंक दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज दे आर हैप्पी एंड दे कॉन्फिडेंट एंड दे देयर कम्युनिकेशन स्किल इज रियली वेरी डेवलप। और 2019 में मेरे 17 बच्चे स्कॉलरशिप होल्डर हो गए और मेरे 6 बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल गया, और मतलब ये आई थिंक दिस इज रियली वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बहुत उन्होंने एग्जाम दी फिर वो सिलेक्ट हुए, और उनका फ्यूचर अब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ, जैसे कि नवोदय विद्यालय में उनको पढ़ने का मौका मिला है, 17 बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हो गए हैं, और उनको मतलब प्रेरणा मिल गई कि हमने एक कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर दी, अब हम कोई भी एग्जाम आ जाए हम वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ल्ड वाइड होता है, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था, तो उसमें मुझे पार्ट लेने का मौका मिला। एंड नेक्स्ट इज मुझे इस साल अभी 30 जून को ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ, रियली आई एम रियली वेरी हैप्पी ये मुझे ये नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला। जैसे कि एक मजेदार बात बताऊं तो कल ही हमारे स्कूल में मेरा एक सत्कार समारोह आयोजित किया था हमारे विलेजर्स ने, हमारी ग्राम पंचायत ने, तो वहाँ किसी एक मतलब वो ग्राम पंचायत का सदस्य ही था, युवा नेतृत्व था, वो बहुत यंग बच्चा था, मतलब मेरा हमारा स्टूडेंट ही रह चुका है वो, लेकिन अभी वो ग्राम पंचायत के चुनाव में आ गया, तो वो स्टेज पर आया और उसने एक डायलॉग बाजी की कि मेरे मतलब उसके टीचर
उससे कहा कि मेरे टीचर को मैं अगर ढूंढू तो वो मुझे क्लासरूम में मिलते थे, लेकिन मैं अगर मृणाल मैडम को ढूंढू तो वो मुझे गूगल पर मिल गई. तो दैट्स द रियली वेरी बिग कमेंट फॉर मी कि यार उसने मुझे गूगल पर सर्च किया और मेरा सारा फेसबुक या लिंक्डइन या हमारी स्कूल की वेबसाइट जो मैंने बनाई वो सारी उसने देखी और उसने कहा कि आप गूगल पे ढूंढो, उनके सारे एक्टिविटी आपको मिल जाएंगे. आई थिंक दैट्स द अचीवमेंट फॉर मी. ओके मैम, डिजिटल टीचर की कहानी के अगले एपिसोड में आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगी? डिजिटल टीचर की कहानी में अगले एपिसोड में एक सर है कि आई थिंक वो मेरे फैसिलिटेटर है, मार्गदर्शक है, अतुल वाकचौरे नामक एक टीचर है जो कि पुणा में हवेली तालुका में स्थित एक जिला परिषद स्कूल है. उनका भी कार्य बहुत ही अच्छा है, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रयोग करते हैं उनके स्कूल में, उनको नॉमिनेट करूंगी. और एक टीचर है कि जो एप्स बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है, अमोल हंकारे करके, वो सांगली में जिला परिषद स्कूल में है और वो बहुत ही मतलब आईसीटी मेला होता है एनसीईआरटी का, उस आईसीटी मेला में उनको 2 बार प्राइज भी मिला है. उनके एप्स बहुत ही मजेदार होते हैं, वो बच्चों के लिए गेम डेवलप करते हैं. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मतलब आमंत्रित किया और मुझे बोलने का मौका मिला, मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला. थैंक यू वेरी मच. आज की कहानी आपको पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे और कहानी सुनने के लिए हमारे टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.